टेस्टी और इजी रेसिपी बनाने के लिए रोहू मछली के पीस को पतले पतले साइज में कट कर ले। ये रेसिपी बाजार से खरीद कर भी खाते हैं। देखते ही मन ललचा गया ना। इस टेस्टी रेसिपी को घर में रखा हुआ चीजों से ही एकदम आसान तरीके से बनाएंगे, वक्त भी कुछ ज्यादा नहीं लगता है। तो चलिए इस टेस्टी रेसिपी को मैं कैसे बनाई हूँ देख लेते हैं। आप सभी से निवेदन है वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। रेसिपी को बनाने के लिए मैं रोहू मछली का पीस ली हूँ। आप कोई भी बड़े मछली का पीस ले सकते हैं। डाले हाफ टी स्पून विनेगर, अगर आपके पास नींबू का जूस हो तो वो भी डाल सकते हैं। डाले स्वाद अनुसार नमक, मैं 1/4 टीस्पून डाली हूँ। डाले हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी आधा जीरा धनिया पाउडर, आप चाहे तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्ली पेस्ट। सभी मसाले के साथ मछली को रगड़ते हुए लगाए ताकि मसाला और नमक का फ्लेवर मछली के अंदर तक जा सके, और इसे 1 घंटा के लिए रेस्ट में रखे। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। 2 टीस्पून मैदा, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। मसाला के साथ कॉर्नफ्लावर और मैदा को अच्छी तरह से मिला दे। ये कोटिंग के लिए लिए हैं, आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। कोटिंग के लिए 1 अंडा को भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स और थोड़ा नमक डाल सकते हैं। मैं और सब चीज में डाली हूँ। ब्रेड क्रम घर पर ही बनाए हैं, आप चाहे तो खरीदा हुआ ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 घंटा के बाद मैरिनेट किया हुआ फिश को निकाल लिए हैं। 1 मैरिनेट किया हुआ फिश को उठाकर मैदा के ऊपर डाले। फिश के दोनों साइड से मैदा का कोटिंग अच्छी तरह से करके डाले अंडा के घोल में। आप अंडा के घोल के जगह मैदा का घोल भी ले सकते हैं। आप फिश का डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगी। डबल कोटिंग करने से कोटिंग का लेयर मोटा हो जाता है। डबल कोटिंग करने से अक्सर तेल में फ्राई करने वक्त टूट जाता है। आप ब्रेड क्रम के जगह टोस्ट बिस्कुट का पाउडर भी ले सकते हैं। फिश में ब्रेड क्रम का कोटिंग थोड़ा दबाते हुए करें ताकि ब्रेड क्रम फिश में जाकर चिपक जाए। इसी तरह और फिश का कोटिंग करके 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के वजह से कोटिंग अच्छी तरह से सेट होगा। आप इसका पूरा कोटिंग करने के बाद इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अचानक घर में मेहमान आए तो इसे फ्राई करके खिला सकते हैं। ये फिश फ्राई आपको खाने को मिले या ना मिले, ढेर सारा तारीफ जरूर मिलेगा। इसी तरह फिश का कोटिंग कर लेने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। इसी तरह पूरा फिश को कोटिंग कर लिए हैं, इसे रेस्ट के लिए रखेंगे फ्रिज में। कोटिंग और अच्छी तरह से सेट होगा। फ्रिज से तुरंत निकालकर फ्राई ना करें। 10 मिनट रूम टेम्परेचर के ओइदर में पहले रख ले। आधा घंटा के बाद फुल फ्लेम में तेल को गरम कर लिए हैं। इसे फ्रिज से 10 मिनट पहले ही निकाल लिए थे। तेल में फ्राई करने से पहले इस तरह से एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम को अवश्य निकाल दे। एक एक करके कोटिंग किया हुआ फिश को डाले तेल में। 2 से 3 मिनट के बाद चम्मच से तेल उठाकर कोटिंग किया हुआ फिश के ऊपर डाले ताकि दोनों तरफ से मछली अच्छी तरह से पक सके और पलटने वक्त इसका कोटिंग भी नहीं टूटेगा। इसी तरह अलट पलट कर दोनों साइड से सुनहरा होने तक पका लेंगे। इसे सुनहरा होने तक पकने में 8 से 9 मिनट का वक्त लगा है। इसे निकालने वक्त इसी तरह तेल को झरा कर निकाले। बचा हुआ और फिश को इसी तरह पका लेंगे। मैं कच्चे मछली का ही कोटिंग करके फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो हल्का सा फ्राई करके या हल्का सा बॉईल करके भी कोटिंग करके पका सकते हैं। मैं दोनों तरह से पका कर खाई हूँ, स्वाद में थोड़ा भी कमी नहीं होता है। बनकर तैयार है फिश फ्राई रेसिपी। प्लेटिंग करेंगे सॉस और कटा हुआ प्याज के साथ। इस रेसिपी को आप जैसे भी खाइए बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, या फिर छोटे मोटे भूख में स्नैक्स के तरह भी खा सकते हैं। प्याज के ऊपर डाले हैं काला नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और मिर्ची पाउडर। आप प्याज के साथ गाजर खीरा भी ले सकते हैं। ये फिश फ्राई रेसिपी पसंद हो तो जरूर ट्राई करें, और एक बार बनाकर खा लिए तो जब भी मछली देखिएगा
तब फिश फ्राई बनाने का ही मन करेगा। एक तोड़कर भी दिखा देते हैं, कोटिंग रहने के बावजूद अंदर तक कितना अच्छा सीझा है। ये फिश फ्राई रेसिपी मन को ललचा देने वाला रेसिपी है। पहले मैं खा लूँ फिर इसका स्वाद बताती हूँ। बहुत स्वादिष्ट बना है फिश फ्राई रेसिपी। अगर पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।